क्षोभ क्या है, सर्दियों में आता है, सर्दियों में आता है तो क्या करवाता है, बारिश करवाता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है उन दिनों में। इवन क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ तो हिमालय के उत्तर में ही बहता है सारा कुछ, ये हिमालय श्रेणी और इसके उत्तर में यही बहता है, हमारे तो इफेक्ट भी नहीं पड़ता इतना। कभी कभार मौसम में परिवर्तन आता है तो हिमालय के दक्षिण में आता है, उसी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार तक बारिश हो जाती है कभी कभार, बहुत कम चांस होता है। सर्दियों में आपने देखा होगा हरियाणा पंजाब में कितनी ज्यादा बारिश होती है, बहुत कम छिटपुट बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण और ठंड। और एक होता है आपका पूर्वी विक्षोभ, ये तो क्या है आपकी पश्चिमी जट धाराएं हैं, ये पूर्वी जट धाराएं, पूर्वी जट धाराएं किसी भी महाद्वीप की होती है वो गर्म हवाएं होती है, ये याद रखना। पश्चिमी जट धाराएं क्या होती है, ठंडी, पूर्वी जट धाराएं क्या होती है, गर्म। अब ये इतनी गर्म होती है आपको इतना तो पता है ना, जितनी ज्यादा हवा गर्म होती है वाष्पित होती है तो ऊपर उठती जाती है फिर वो, ठीक है। देखो भाप बनता है तो क्या होता है, ऊपर ही उठ रहा है, एडियाबेटिक ताप ह्रास प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ऐसे ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है वो, ऐसे क्या हो रहा है हवाएं ऊपर उठती है। यहाँ पे क्या होता है जब लौटता मानसून आता है ना इधर पे, तो आईटीसी जेड हवाओं का निम्न दाब का क्षेत्र ना इस एरिया में बन जाता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सबसे ज्यादा चपेट में आने वाले क्षेत्र हैं चक्रवातों के, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्या होता है जब सितंबर के महीने से इधर से आ रहा है तो इधर से इतनी ज्यादा प्रबल हवा नहीं है, इन हवाओं को एक तो साथ मिलता है इधर से उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है। देखो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था ना कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश होती है सर्दियों में, एकमात्र जगह जहां बारिश होती है, बाकी तो वही होती होती, तो किस वजह से होती है, एक तो उधर का प्रेशराइज, एक इधर की हवाएं, बंगाल की खाड़ी से ऊपर से गुजरी हवाएं पर्याप्त मात्रा में नमी ले ली और यहाँ बारिश करवा दी आपकी। हमारा जो लेक्चर है आज का वो है चक्रवात का, चक्रवात जानते हो इस टाइप के कुछ होते हैं ना चक्रवात आपके, गोल 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 गोल, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे लगभग काम कब आते हैं, गर्मियों में या सर्दियों में, गर्मियों में, ठीक है, लगभग मई जून का महीना होता है, लू चल रही होती है उस टाइम पे। तो कहने का मतलब क्या है, चक्रवात उठते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में, सॉरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। चक्रवात कहाँ होते हैं, हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और बल्कि बहुत ज्यादा जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ना वहां पे। अब आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन निकल के आया होगा, हमने सर जी पढ़ा है पृथ्वी, पृथ्वी में पढ़ी है हमने 0 डिग्री पे विषुवत रेखा, इसके 23.5 डिग्री ऊपर हमने कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। अच्छा सर जी, फिर तो 0 डिग्री पे बिल्कुल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र यही बताया ना मैंने आपको, ब्राजील अफ्रीका देश जो है फुल उष्णकटिबंधीय, मतलब यहाँ पे तो जबरदस्त क्या कहते हैं चक्रवात आते होंगे बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं भैया, अपवाद भी है। विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे ये अक्षांशीय और देशांतर विस्तार जो होगा ना, ये जैसे ही खत्म होता है थोड़े दिनों के बाद में करवाऊंगा आपको तो अच्छे समझ आएगा। विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध में कोई चक्रवात नहीं उठता। सर जी ऐसा क्यों होता है फिर, जब आप तो कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा चक्रवात आने चाहिए लेकिन यहाँ तो आ ही नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है, उसका मान जीरो होता है इस रेखा पे, कोरियोलिस बल का मान बिल्कुल जीरो होता है। मैं थोड़ा सा कोरियोलिस बल को साइंस में पढ़ाऊंगा लेकिन अभी थोड़ा तुम्हें एक हिंट टाइप देता हूँ, तुम याद करो कि मैंने तुम्हें आईटीसी हवाएं विंड जो व्यापारिक जो ट्रेड विंड थी आपकी ये पढ़ाई थी और फेरल का नियम पढ़ाया था, याद आ रहा है ना, ये हवाएं अपने बाएं और दाएं और यूं करके बह रही थी ना, ये दोनों किधर जा रही थी, पश्चिम में जा रही थी, ठीक है। उसी तरीके से जब ये हवाएं आपस में टकराती है ना इस जगह पे तो ऊपर उठ जाती है दोनों ही, ये वाली जगह क्या होती है आपकी जीरो, खाली पड़ जाती है, बिल्कुल लो प्रेशर पीरियड रहता है, इसी वजह से यहाँ पे चक्रवात नहीं बनता आपका। और देखिए एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, विषुवत रेखा पे क्या चक्रवात होता है, विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में भी कोई चक्रवात नहीं होता, कारण क्या नहीं होने का, कोरियोलिस बल का मान बिल्कुल जीरो होता है या शून्य होता है तो करके यहाँ पे कोई चक्रवात नहीं उठते। चक्रवात बनने की स्थिति क्या होती है, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है या जहाँ पे लो प्रेशर वाला क्रिएट होता है या बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे क्या होते हैं आपके चक्रवात ज्यादा बनते हैं। किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में चक्रवात आते हैं या पूर्व में चक्रवात आते हैं, पश्चिम पूर्व में, ठीक है,
पश्चिम में क्या हो रहा है आपका? ठंडी ठंडी हवाएं हैं। अभी चक्रवात मैंने पढ़ा है क्या? गर्म ही तो होंगे ना, गर्म है तो किसी भी महाद्वीप के पूर्व में आते हो आप। थोड़ा एक बार ना इसको भारत को विश्व के साथ कंपेयर करिएगा, वर्ल्ड के साथ। चाइना को अगर देख लीजिएगा आप लोग, चाइना में टाइफून आता है ना, सुना ना? एक सीधा सा क्वेश्चन है, याद कर लेना। चाइना में टाइफून आता है, वो भी उसके पूर्वी घाट से एंटर करता है। बीजिंग संघाई क्षेत्र सुने हो गए आपने, ठीक है? चाइना के पूर्व में पढ़ते हैं ये, वहां पे सबसे ज्यादा ये आपके तबाही मचाता है। अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की जगह सुनी होगी आपने, और वहां पे फ्लोरिडा, हम लास्ट लेक्चर में बात करें थे ना फ्लोरिडा के बारे में, ठीक है? तो फ्लोरिडा एक नामक जगह है, वहां पे चक्रवात आता है, बल्कि भीषण चक्रवात आता है वहां पे, तो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की